नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति यानी कुंडलिनी किस प्रकार से कुंडलिनी असंतुलित हो जाती है। कुछ सामान्य कारण बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए कुंडलिनी असंतुलित हो जाती है, लेकिन ये कुछ प्रमुख कारण है जिसको अगर आप समझेंगे तो आपकी कुंडलिनी को आप संतुलित कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं इसके लिए भी रिमेडी बता दूंगा। पहली तो बात है, हमारे पास बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि आचार्य जी हमारा कुंडलिनी असंतुलित हो गया, हमें क्या करना है, कोई विधान बताइए। देखो एक चीज़ एक बात बताऊँ, मैं क्यों कुंडलिनी की जो कंट्रोल करने की यानी कुंडलिनी को जो आपको संतुलित करने की उपाय आप लोगों को नहीं बताता हूँ, नहीं बता पाता हूँ, इसका कारण यह है। मानो कि आप चार चौपाती या रोटी खाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि दूसरा इंसान भी वो तीन रोटी या चार रोटी या चार चौपाती खाए, हो सकता है वो दस रोटी खा सकता है, हो सकता है आपके अंदर में जो है चार रोटी पच जाता है लेकिन उसका अंदर वो चीज़ हजम नहीं होता है। तो इस प्रकार से हर चीज़ अलग अलग लोगों के लिए होता है, इसके लिए इसकी विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सी विद्या किस पर सूट करेगा। इसीलिए ये गुरु शिष्य परंपरा पे होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि जो कुंडलिनी की ज्ञान देते हैं तो अपना वो कोई शिविर लगा के या फिर उनको किसी भी प्रकार के गुरु शिष्य माध्यम से देते हैं। इसलिए कभी भी कुंडलिनी को संतुलित करने के लिए कोई पुस्तक में या किसी में कोई दिखा गया है उसको करके ना करें, क्योंकि हो सकता है जिस आचार्य ने या फिर जिस गुरु ने कुंडलिनी के बारे में बताया है वो अपने हिसाब से उसको संतुलित किए होंगे, लेकिन आपकी जो है तत्व है पूरी तरह से अलग है। तो धीरे 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 आप इसको संतुलित कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग विषय है। जब आएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कारण बताता हूं जिससे कुंडलिनी असंतुलित हो जाती है। देखिए जो तो आप सारे जानते हैं चक्र, जैसे विभिन्न प्रकार की मूलाधार स्वाधिष्ठान जो भी चक्र है, अनाथ है, विशुद्धि है, ये इस प्रकार की जो मणिपुरा है, इस प्रकार की जितने भी सारे जो चक्र हैं, सात चक्र है, तो ये इनकी जो एक संरचना होती है बहुत सोच समझ कर किया गया है। ठीक है, आप क्या करते हैं अचानक ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से जो योग में चला जाऊंगा, ध्यान में चला जाऊंगा, तो ऐसे ध्यान करते हैं जिसमें आपकी मूलाधार तो ब्लॉकेज होता रहता है, ब्लॉक रहे फिर भी आप अपना आज्ञा चक्र के पीछे पड़ते हैं। मैं हमेशा ये कहूंगा कि हमेशा एक फ्लो में जाइए ताकि आप कुंडलिनी ऊर्जा को बेहतर समझ सकें और उस रिलेटेड आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, वो जब कुंडलिनी बहुत ही बड़ा विषय है जिसको अगर जितना अंदर कोई इंसान शोध करेगा वो भी अंदर चला जाएगा, इसीलिए मैं आपको कुछ प्रमुख कारण बताता हूँ। देखिए कुंडलिनी ऊर्जा बिगड़ने का पहला कारण है किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओरा में प्रवेश करता है, पहली बार में वो कुंडलिनी असंतुलित हो जाता है। इसीलिए जितने भी सारे लोग आप देखे होंगे कि कोई कहता है कि हमें ये बाधा है वो बाधा है, 90% लोग उसमें से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी दिमाग की सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम जाती है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, आप अगर अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो आपको क्या होता है, अपनी मूलाधार में जो ऊर्जा है वो मूलाधार की जो ऊर्जा है वो भी बिगड़ने लगता है, यानी मूलाधार की जो ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे असंतुलित हो जाता है। इसीलिए आपको थोड़ा कंट्रोल में वो सारे चीज़ को करना है। हालांकि हर इंसान को गुस्सा आएगा लेकिन गुस्सा को आपको कंट्रोल में रहना है, इसलिए बहुत सारे मैंने पद्धति बताए और भी कुछ वीडियो बना दूंगा। हालांकि जब भी मुझे भी तो गुस्सा आता है, आप लोग सभी जानते हैं, जब भी गुस्सा आता है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करिए या फिर गणपति भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं उसको आप जाप कर सकें। तीसरी बात है, आप कुंडलिनी ऊर्जा और भी ब्लॉक हो जाती है जब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कम जाती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आप क्या करते हो फिजिकल एक्टिविटी आप बहुत कम ही करते हो, यानी आपको ये लगता है कि भाई मैं आज इधर बैठे बैठे सारे काम करूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, तो इसके लिए भी ये सारे चीज हो जाता है। इसलिए कुंडलिनी ऊर्जा आप दिन भर लेटे रहते हो, खाते रहते हो, सारे पिज्जा बर्गर बैठ के टीवी देखते हो, मूवी देखते रहते हो, ये सारे चीज में, क्योंकि आपकी बॉडी में आप जितना एक्टिव रहोगे वो ऊर्जा उतना ही एक्टिव रहेगा, वो एक कारण है। और चौथा कारण है गलत मंत्र जाप, यानी आपने किसी यूट्यूब चैनल से देखा कि एक रात में कोई महाविद्या सिद्ध होती है तो आप उस मंत्र को करने लग जाते हो, लेकिन आपकी कुंडलिनी में शक्ति नहीं है, क्योंकि महाविद्या साधना करने से पहले आपको तांत्रिक कुंडलिनी यानी कुंडलिनी के जो देवादेवी है उनको जागृत करना पड़ेगा। कहीं के आपको बुद्ध रुद्र दिखेंगे, कहीं पे आपको जो
आपको ईशान रुद्र देखेंगे, ऐसे प्रकार की शक्ति है, कहीं पे रंकिणी शक्ति है, कहीं पे डाकिनी शक्ति है, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का कुंडलिनी में वास है। इसकी एक लेयर बाय लेयर होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है बुद्धि पद्धति में होता है, लेकिन उनके जैसे आपको मानना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, उनके जैसे आपको कुंडलिनी शक्ति को मानना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको कर सकते हैं। किसी चैनल में देख के कि मैं रातों रात ऐसे महाविद्या साधना करूंगा और आप क्लिंग 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 क्लांग 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 फट फट करके आप मंत्र जाप करते रहोगे, अगले दिन आपको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है मूलाधार से स्टार्ट होती है। जब भी कोई आप देखते हैं किसी भी प्रकार की जो सौम्य मंत्र या फिर कोई मंत्र जो आपको गुरु ने दिया है, उस मंत्र को जब आप जाप करते हो आपके अंदर कितनी शांति आती है, लेकिन अचानक ही कोई अगर दूसरा मंत्र आप जाप करते हो, आपको देखेंगे आप किस प्रकार की आपका मन में जो एक अशांति आएगी। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कुंडलिनी जो ऊर्जा है, कुंडलिनी ऊर्जा बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को आपको कंट्रोल में करना है। यानी आपको ऐसा नहीं कि मैं एक रात में जागृत कर दूंगा कुंडलिनी। देखो, पहली तो बात है, अगर परमात्मा हर किसी के अंदर कुंडलिनी जागृत करने का उन्होंने सोचा होता, अगर उनको ये लगा होता कि मैं हर इंसान के अंदर कुंडलिनी जागृत करके भेजूंगा, तो वो सुप्त अवस्था में क्यों होता, हर किसी का कुंडलिनी जागृत होता? देखो, कुंडलिनी विज्ञान हर किसी का लिए नहीं होता है। पहले तो मैं यही कहूंगा, अगर आप पूरी तरह से आध्यात्म में आना चाहते हो, पूरी तरह से आप कंप्लीटली गृहस्थ जीवन के कुछ भी करके आप आध्यात्म में लोगों का जन कल्याण करना चाहते हो, तो कुंडलिनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करने की कोई विशिष्ट गुरु, जो कि योग्य गुरु है, जो आपको समझा सकते हैं, उनका सानिध्य में आप कुंडलिनी ज्ञान ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे भी दिनचर्या मंत्र जाप करते हो, कुछ भी करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपको कुंडलिनी संतुलित करना आवश्यकता है, कुंडलिनी जागरण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी संतुलन बहुत ही अलग बात है। मैंने एक नारियल के ऐसे आपको दिखाया भी किस प्रकार से लंब बीज जाप से क्या होता है, बम बीज से क्या होता है, उस चीज को सोचना पड़ेगा, उस चीज को देखना पड़ेगा। देखो, आप क्या करते हो, कुंडलिनी का मोटा मोटा पुस्तक 2000-3000 सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर कोई 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 बना के अपना एक ब्रांड बना के छाप लिया आपने उसको, ये कि हमें ये कुंडलिनी जागृत करूंगा, वो उसमें सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है। यही कारण है, कभी भी किसी प्रकार की पुस्तक वगैरह देख के खुद की कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश ना करना, वरना अन्यथा आपकी बहुत सारा हानि हो सकता है। और कुछ कारण है कुंडलिनी असंतुलित होने का, और कुछ कुंडली ऐसे तो मंत्र का जो आप प्रयोग गलत करते हो, यानी जाप तो करते हो, ठीक है, जाप कर लिया, गलत मंत्र जाप किया, उसे सो जो हो गया हो गया, लेकिन आप मंत्र को गलत प्रयोग करते हो। मानो किसी मंत्र का सटकर्म करने की आपको परमिशन नहीं है, लेकिन आप सटकर्म कर देते हो। आप किसी को देखो बैठ गया, थोड़ा सा हल्दी वगैरह लेके और सारे जो मिर्ची वगैरह, ओम ह्लीम बगड़ा मुखी सर्व दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवाम गले वो दिनस, ये चलाता रहे, तो ये सारे चीज करते रहे, तो देखो भाई, जो कोई किसी भी प्रकार की तत्वों की एडवाइस देता है, कहीं ना कहीं उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे, बोलोगे आचार्य जी वीरभद्र की उपासक हैं, वीरभद्र की साधना करते हैं, वीरभद्र की उपासना करते हैं, तो हम भी वीरभद्र के मंत्र जाप करेंगे, 7-8 जाप करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। हर किसी के लिए तत्व नहीं है। मैं अभी कहूंगा कि मैं काल भैरव देव की उपासना नहीं करता हूं, मैं अभी देखो मदिरा लेके सारे लेके काल भैरव तत्व की उपासना करना लगूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो सकती है, तो उसमें भी कुंडलिनी ऊर्जा बिगड़ जाती है। हालांकि हर इंसान की कुंडलिनी ऊर्जा बिगड़ने की कारण अलग अलग है, इसीलिए पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि ए नामक व्यक्ति का कुंडलिनी ऊर्जा किस लिए बिगड़ा है, बी नामक व्यक्ति का कुंडलिनी ऊर्जा किस लिए बिगड़ा है, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, किसी का भी कुंडलिनी ऊर्जा अलग हो सकता है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखें कि कुंडलिनी असंतुलित होना कारण अलग अलग होता है, लेकिन ये कुछ प्रमुख कारण है जिनको आपको कभी भी नहीं करना है, यानी ध्यान रखना है। इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा, मैं भी जब रात 12 बजे 1 बजे तक तो कोई उपासना मंत्र जाप साधना करता हूं, लोगों के अनुष्ठान बैठता हूं, मैं सुबह उठते उठते लेट हो जाता है, तो फिजिकल एक्सरसाइज कम जाता है, तो उसके लिए भी बराबर कुछ कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने दिनचर्या को संभालो, सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, और हां, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, क्योंकि आप अगर तांत्रिक कुंडलिनी देखेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे चक्रों में महादेव की किसी स्वरूप की भास है, तो अगर आप ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र जाप करेंगे या फिर नवान मंत्र भी जाप करते हैं, तो कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित रहता है। इसीलिए इस चीज को, इस बात को आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, कुंडलिनी ऊर्जा क्या है, किस प्रकार से कुंडलिनी ऊर्जा है, तो इसी चीज को समझ के आपको करना पड़ेगा। बिना समझे आप कुंडलिनी जो है जागरण की बात तो भूल जाइए, लेकिन जब आप संतुलित भी करते हैं, महादेव से प्रार्थना करें कि आपकी सप्त कुंडली को संतुलित करें, क्योंकि वो सारे योग कुंडलिनी शास्त्र सभी का मास्टर वही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, सभी का मास्टर वही है। इसीलिए आप महादेव को प्रार्थना करके कर सकते हैं। इसीलिए कुछ प्रमुख कारण मैंने बताया है कि कुंडलिनी किस प्रकार से असंतुलित हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो
वीडियो को लाइक करें और आगे इस तरह से सपोर्ट करते जाए। ओम नमः शिवाय। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय भोलेनाथ, जय माता दी।